जय गुरु देव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूस क्राफ्ट में स्वागत। आज हम क्रोशे से एक बड़ी प्यारी सी डिज़ाइन बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट को आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ब्लैंकेट में, बेबी स्वेटर में, कार्डिगन में, किसी भी जगह आप इसको यूज़ करते हैं। तो चलो हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये 3 कलर की ऊन ली है, वाइट कलर की, लाइट पर्पल कलर की और ब्लू कलर की। तो चलो अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने क्रोशिया हुक के अंदर थ्रेड नोट लगाते हैं। अब इसके अंदर मैं 3 के मल्टीपल में चैन बनाऊंगी, तो इसमें 27 चैन बना रही हूँ मैं। चैन बनाने के बाद इसके अंदर मैं 3 चैन और बनाते हूँ, तो कुल हमारी ये 30 चैन हो जाती है। अब शुरू किया हम 3 चैन छोड़ के 4th चैन के अंदर एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सभी चैन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। सभी चैन में अपने क्रोशिया को लेके एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके लास्ट तक आएंगे। तो सभी चैन में मैं एक एक डबल क्रोशिया बना के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसके हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में मैंने 2 लूप ले रखे हैं। जब हम लास्ट का डबल क्रोशिया बनाते हैं, लास्ट वाली चैन में जब डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो 3 लूप में से हम 2 ही लूप को लेंगे और 2 को हम छोड़ देंगे। यहाँ से मैं अपना सेकेंड कलर लगाती हूँ, तो मैं अपना ये पर्पल कलर लेती हूँ, लाइट पर्पल शेड। इस तरह इसके 2 का एक करके यहाँ से हम अपना पर्पल कलर ऐड कर लेते हैं। अब शुरू में यहाँ पे मैं एक चैन बनाती हूँ। एक चैन बनाने के बाद मैं अपनी चैन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँ। तो सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए पहले अपने क्रोशिया को इस तरह डालकर एक लूप लेते हैं। लूप लेने के बाद हम इन्हें 2 का एक ना करके पहले वाले लूप को करेंगे, फिर दूसरे लूप को। इस तरह हमारे सिंगल क्रोशिया बनता है। इस तरह सेकेंड वाले में बनाऊंगी, लूप लेंगे, पहले लूप को किया, फिर हमने सेकेंड लूप को किया। इसी तरह तीसरी चैन के अंदर हम बनाएंगे, लूप को लेते हैं, पहले फर्स्ट लूप को बनाते हैं, फिर सेकेंड लूप को बनाते हैं। इस तरह हम ये 3 चैन के अंदर 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब आगे की तरफ हम इसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, तो फ्रंट पोस्ट हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले लूप को लेंगे, अगले वाले लूप को इस तरह उठाएंगे, इसमें क्रोशिया को डाल के इस तरह इसका हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, तो ये हमारा डबल क्रोशिया बनेगा। इस तरह अगले सेकंड में बनाते हैं। इस तरह शुरू के 3 डबल क्रोशिया के अंदर 3 फ्रंट पोस्ट बनाते हैं, तो हम तीनों फ्रंट पोस्ट बना लेते हैं। उसके बाद वापस से हमारी अगली चैन आती है, अगली चैन में वापस से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अपने लूप को लेंगे, फर्स्ट लूप में से निकालेंगे, फिर सेकंड लूप में से निकालेंगे, फिर सेकंड चैन में से लेंगे, फर्स्ट लूप में से, फिर सेकंड में से, फिर थर्ड चैन में से। इसी तरह हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट होता है। जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट आपको बनाना है उसमें ये हमारा बन जाएगा। आगे के वापस से हम डबल क्रोशिया में से फ्रंट पोस्ट बनाते हैं। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया में से 3 फ्रंट पोस्ट बना लिए। अब वापस से 3 चैन के अंदर हम वापस से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो सिंगल क्रोशिया हम पहले लूप में से लेते हैं, फिर सेकंड लूप में से। इस तरह बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आती हूँ। अब हम इसके लास्ट में आ गए, तो लास्ट वाली चैन के अंदर हम भी एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, तो हमारी ये सेकंड रो कंप्लीट होती है।
अब एक चैन बनाएंगे हम, फिर इसे टर्न करेंगे। सभी चैन के अंदर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जिस तरह से हम बना रहे हैं, पहले लूप में से लेंगे फिर सेकंड लूप में से। इस तरह सभी चैन के अंदर में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपने वर्क के एंड में आते हैं। हम अपने वर्क के एंड में आ गई, हमने दो लूप ले लिए। फर्स्ट लूप में से निकालेंगे, दो लूप को अपने क्रोशिया हुक में होल्ड करेंगे, फिर अपनी वापस से हम वाइट कलर की ऊन लेते हैं और दो का एक कर देते हैं। अब हमारे वाइट कलर की ऊन ज्वाइन हो गई है, एक चैन बनाएंगे हम। एक चैन बनाने के बाद सभी चैन के अंदर हम वापस से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट चैन में से बनाती हूँ मैं, सेकंड में से, फिर थर्ड में से। इस तरह हमारी ये थ्री चैन बन गई हैं। अब वापस से हम अपना फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट हम अपने इस वाले में से बनाएंगे, नीचे से जो हमारा फ्रंट पोस्ट है उसमें से बनाएंगे। इसे अपने लूप को थोड़ा लंबा लेके फिर बनाएंगे, फिर अगले सेकंड में से बनाएंगे हम। फिर हमारे फ्रंट पोस्ट हो गए, फिर वापस से हम थ्री चैन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। फिर हम वापस से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, इस तरह हमारे। अब आगे से मैं फिर इसके लास्ट तक आती हूँ। अब इसके लास्ट में आ गए हम, यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। इसके बाद सभी चैन के अंदर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जिस तरह हमने अपने पिछली रो में बनाया था जो हमने पर्पल कलर की बनाई थी, उसी तरह से सभी चैन में मैं एक एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी और उसके बाद इसके अंदर मैं अपना थर्ड कलर लगाऊंगी, तीसरा कलर लगाऊंगी जो हमने अपना ब्लू कलर का लिया था। इसी तरह हमारा ये प्रोजेक्ट बनेगा, तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस तरह हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, इसको जितना बड़ा चाहे हम उतना बड़ा बना सकते हैं। इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनती। अगर आपको मेरी डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।